हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सी टी डी एंड डिजिटल प्रिपरेशन में। और आज की इस वीडियो में मैं NIOS DLED वाले CTET का प्रिपरेशन कैसे करें इसके बारे में बताने वाली हूँ। अब आप लोग कहेंगे कि मैम अलग से क्यों बता रही हैं NIOS DLED वाले कैसे करें, क्योंकि CTET तो सबके लिए एक जैसा होता है। CTET सबके लिए एक जैसा होता है, बिल्कुल। अगर आप लोग ऐसा सोचेंगे तो बिल्कुल सही सोचेंगे, लेकिन NIOS DLED वाले के लिए मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि यहाँ होता क्या है कि जो लोग NIOS से DLED किए हैं उनके साथ दिक्कत क्या है कि वो क्लास करके नहीं किए हैं। तो जो लोग DLED या BED जो भी क्लास करके करते हैं तो उनको चाइल्ड साइकोलॉजी का पूरा ज्ञान हो जाता है, और ये लोग प्रॉपर तरीके से नहीं पढ़ाई किए हैं क्योंकि डिस्टेंस मोड से था, और उसमें भी स्कूल करते हुए पढ़ाई करो, वो कोई ढंग का बुक भी नहीं, मतलब बहुत सारी परेशानियाँ इन लोगों के सामने थी। और आगे जाके कोई भी अगर DLED किए हैं तो जो लोग गवर्नमेंट जॉब में हैं उनके लिए मैं ये बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन जो लोग प्राइवेट जॉब में हैं उन लोगों के लिए मैं यह खासकर वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि उनको CTET क्वालिफाई करना है गवर्नमेंट जॉब में आने के लिए, CTET या कोई भी TET। तो उसकी तैयारी ये लोग कैसे करेंगे ताकि बहुत कम दिनों में पहली बार में सफलता हासिल कर पाए, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि बहुत सारे लोग आप देखिएगा CTET पहली बार में क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, दो बार तीन बार चार बार देने के बाद लोग क्वालिफाई कर पाते हैं। ऐसा इसलिए हो जाता है क्योंकि उनको CTET के पैटर्न का नॉलेज नहीं होता है, उनको पता ही नहीं होता है कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, चाइल्ड साइकोलॉजी ढंग से नहीं पढ़े रहते हैं जिसके कारण परेशानियां सामने आने लगती है। तो खासकर NIOS DLED वाले को चाइल्ड साइकोलॉजी पर पैडागोगी पर ज़्यादा ध्यान देना होगा, इसलिए क्योंकि उससे टोटल 90 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, और जिनका भी वो पर्सन अच्छा है उनका CTET बहुत आसानी से क्वालिफाई हो जाता है पहली बार में भी, बहुत कम टाइम में पढ़ाई किए हुए भी आपका बहुत आसानी से CTET क्लियर हो जाएगा। उसके लिए आपको चाइल्ड साइकोलॉजी पे ज़्यादा ध्यान देना होगा। अगर आप 1-5 या 6-8 किसी भी पेपर 1 या पेपर 2, पेपर 1 होता है 1-5 के लिए जो होता है एग्जाम उसको पेपर 1 बोलते हैं, पेपर 2 जो 6-8 के लिए होता है उसको बोलते हैं, तो दोनों क्लियर आप कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान चाइल्ड साइकोलॉजी पे देके। और साथ ही मैथ अगर आप 1-5 के लिए एग्जाम दे रहे हैं तो 1-5 के मैथ में कुछ खास नहीं है, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि 1-5 का लेवल क्या है, तो आप वैसे देख सकते हैं NCERT बुक को, लेकिन आपको ज़्यादा फायदा पहुँचाएगा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है मैथ का आज तक जो पूछे गए हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि मैं हर बार देखती हूँ कुछ क्वेश्चन जो होते हैं सो कॉमन होते हैं, हमेशा रिपीट होते रहते हैं। आप मेरे चैनल पे बने रहे, अब से इस पे लाइव क्लास भी आएगा जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हल करवाया जाएगा और व्याख्यान के साथ बताया जाएगा कि क्यों उसका आंसर होगा। इसी तरह से सारे सब्जेक्ट के बारे में मैं बताऊंगी, जैसे EVS है तो EVS के लिए आप EVS का NCERT बुक पढ़ सकते हैं, क्योंकि 2016 तक जो एग्जाम हुआ है उसमें सारे NCERT बुक से ही क्वेश्चन आए। इस बार 2018 में हुआ है उसमें थोड़ा सा चेंज हो गया था पैटर्न, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि इस बार चेंज हो गया है तो हर बार चेंज ही हो सकता है फिर से उसमें से क्वेश्चन आए, तो उसको आप अच्छे से ज़रूर पढ़ लीजिएगा। वीडियो आपको पूरा मिल जाएगा मेरे चैनल पर, और साथ ही अगर आप बुक भी पढ़ना चाहेंगे तो मैंने बुक को भी एक्सप्लेन कर रखा है, प्लेलिस्ट अलग से है, आप प्लेलिस्ट पे जाएंगे क्लास 3 का 4 का 5 का तीनों क्लास का आपको NCERT बुक का वीडियोस मिल जाएगा, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। और साथ ही चाइल्ड साइकोलॉजी के लिए आपके पास ज़्यादा समय नहीं है तो अलग से बहुत ज़्यादा बुक लेने की ज़रूरत नहीं है, जो एक सक्सेस मास्टर आप लोग खरीदते हैं जिसमें सारा सब्जेक्ट होता है उसमें का भी चाइल्ड साइकोलॉजी आप पढ़ लेंगे, और साथ ही चैनल के साथ कंटिन्यू जुड़े रहे, जब भी लाइव क्लास आए तो उसको देखें ज़रूर, क्योंकि उसमें जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप हल करवाया जाएगा उसको अगर आप देखते हैं तो मैं गारंटी के साथ कहती हूँ आप पक्का पहली बार में क्वालिफाई कर जाएंगे, क्योंकि बहुत हेल्प पहुँचाता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। मैंने देखा है बहुत सारे लोग बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2-3-4-5 पढ़ के, यानी 4-5 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ के भी जो लोग पढ़ाई में थोड़ा सा अच्छे हैं और थोड़ा भी मेहनत आप कर देंगे तो आसानी से उसको क्लियर कर लेंगे, और उसके बाद आप लोगों को पता ही है कि जब तक आप क्लियर नहीं करेंगे तब तक गवर्नमेंट जॉब कहीं भी नहीं मिलेगी। यहाँ तक कि अब तो प्राइवेट स्कूल में भी बिना CTET वाले को बिना TET वाले को नहीं रखा जाता है, तो वह अगर आप शिक्षा के क्षेत्र में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं तो आपको CTET क्लियर करना ही पड़ेगा, तो आप उसको एकदम ध्यान से पढ़ें। और भी मैं टिप्स आप लोगों को देती रहूँगी कम से कम समय में पढ़ाई करके कैसे CTET क्लियर कर ले। ठीक है, इस वीडियो में बस इतना ही,
आगे के वीडियो में मैं और भी बताई हूँ ट्रिक और टिप्स आप लोगों को देती रहूँगी, साथ ही प्रिपरेशन तो करवाऊंगी ही। अभी काफ़ी दिनों से मेरा वीडियो नहीं आ रहा था क्योंकि मैं घर पे यहाँ पे नहीं थी, मैं गांव चली गई थी होली की वजह से, जिसकी वजह से कोई भी वीडियो नहीं आ रहा था। आज से कंटिन्यू रहेगा, आप लोग चैनल के साथ बने रहे। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, क्योंकि जब आप बेल आइकन को प्रेस करिएगा तभी जो लेटेस्ट वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे साथ बने रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।